Yes, very, very good morning everyone and good morning everyone. फटाफट मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है, एकदम जबरदस्त है. सारे के सारे लोग जितने भी ऐप के ऊपर लाइव है फटाफट बता दो. आज हमारी जो क्लास है बेटा, आज से हमारी ऐप के ऊपर क्लास शिफ्ट हो रही है. यूट्यूब के ऊपर मैं कुछ एक दो दिन क्लासेस चलाऊंगा ताकि कुछ बच्चों को अगर दिक्कत आती है ऐप के ऊपर तो वो क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं हमारे मतलब YouTube के ऊपर, वो जा सकते हैं और बैकएंड टीम को फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि उन्हें अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो वो दिक्कत को फेस ना करें करके. वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहे सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं. क्या बात है भाई साहब. चलो जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया. सर ऐप को कैसे ओपन करें? देखो बेटा ये होता है फोन अपना. अब फोन के अंदर जैसे देखो ये एक टेलीग्राम का ऐप है ना, तो अब क्या करने का, ऐसा क्लिक करने का, सिर्फ क्लिक करना और कुछ मत करना, ठीक है. ऐसा क्लिक किया तो ओपन होता वो ऐप है ना, वो ऐप होना ही है बेटा ओपन, है ना. तो वैसे ही देखो अल्टीमेट सी एक आपके उस पर ऐप होगा. जैसे अगर मान लो नेटफ्लिक्स है ये, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को अब नेटफ्लिक्स को ओपन करना है तो मैं ऐसा क्लिक करूंगा उसके ऊपर. अब क्लिक किया तो वो ओपन होता ही, समझ रहे क्या. वो ऐसा नहीं बोल सकता नहीं मैं ओपन नहीं हो रहा करके, है ना, उसको ओपन होना ही होना है. समझ रहे क्या आप बात को, ऐसा ठीक है. चलिए सर आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो. चलो दोस्तों सारे के सारे लोग आ जाएंगे जल्दी से. देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके साथ. आ जाओ जल्दी से दोस्तों. सुनो सर, पीसी में ओपन नहीं, वारे गेल सब पे पीसी में कैसे ओपन होगा, पहले ही बोल के रखा है पीसी में ओपन नहीं होगा करके. पहले जब इतना गला चिल्ला के बोले पीसी में आईओएस डिवाइस में और रेडमी के वो तीन चार फोन से बेटा कुछ वो 8, 9, 9 Pro, 10 ऐसा कुछ तो भी है उसके अंदर नहीं होगा, है ना. तो इसलिए बस और कुछ नहीं, ठीक. आज उसका लेजी डे है बोल रहे हैं भाई साहब, मानते ही नहीं. लेजी डे सही में ऐसा होता है क्या? मेरे को लगता था ऐसे ही कुछ तो भी नया कुछ चल रहा है करके, ठीक है. चलो दोस्तों आ जाएंगे फटाफट. अब मैं रिकॉर्डिंग चालू करने जा रहा हूँ बेटा. ओके हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से, इस प्यारे से और इस जोरदार से वीडियो के अंदर. आज अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, आज के हमारे इस सेशन में हम लोग बहुत ही औसम चीजें पढ़ेंगे. आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन हमारा किसके ऊपर चल रहा है, यूट्यूब के ऊपर भी चल रहा है, ये सेशन हमारा ऐप के ऊपर भी चल रहा है और ये सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, है ना. तो हम सब जगह ये सेशन चल रहा है बेटा, है ना. तो आप ऐपको इसको देखना चाहे आप देख सकते हैं सर. आप इसको समझिए आप बात को, आपको इसको फोन पे देखना है फोन पे देखो, जैसे देखना है वैसे देखो. फोन के ऊपर या ऐप के ऊपर भी फुल स्क्रीन होता है, साइड में चैट सेक्शन वाला भी होता है और फुल स्क्रीन भी होता है. बस एक बार आप उसको चेक कर लेना, ठीक है ना. ओके सर चलिए. सर मैक्सिमम क्वालिटी 720p बेटा, आप 720p पे ही देखना. अगर आप 4K पे देखे ना तो एक घंटे में नेट बैठ जाएगा आपका, फिर बाकी पूरे बैकलॉग, है ना. चलिए सर हाँ दोस्तों, एक बार कल के पूरे टॉपिक को प्लीज फटाफट रिवाइज में आपको करवा देता हूँ, देख लो यहाँ पे क्या क्या. अच्छा अगर किसी को कोई भी दिक्कत फेस होती है मान लो लेक्चर्स देखने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ जादू एकदम, है ना. देखिए क्या, सबसे पहले आने का बेटा कहाँ पे, ये देखो एक मस्त टैब ओपन करने का. फिर आप यहाँ पे डालेंगे क्या, अल्टीमेट CA ऐसा डालने का, अल्टीमेट CA. अगर आपको दिक्कत फेस हुई ये देखो कॉन्टैक्ट अस में टेक्निकल फॉर्म दिख रहा क्या, क्लिक हियर टू फिल टेक्निकल फॉर्म. ऐसा टेक्निकल फॉर्म पे जाने का, नाम नंबर कॉन्टैक्ट ID जो भी रजिस्टर्ड है, फिर आपको जो भी रिलेटेड जो भी आपका है बुक डिस्पैच से रिलेटेड है अदर्स है जो भी है ये डालने का, डिस्क्राइब करने का कंसर्न को और बताने का टीम को, ठीक है ना. 15 अगस्त को या नेशनल हॉलीडे को टीम काम नहीं करती और संडे को टीम काम नहीं करती है, बाकी दिन जो ऑफिस के टाइमिंग है बेटा वो 11 बजे से लेके 6 बजे तक है, ठीक है ना. आप रात में 2 बजे फॉर्म फिल करोगे बोलोगे अब बीच कॉल बैक आना चाहिए मैम का, ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक. अरे यार होते कल कुछ भी 14 अगस्त को शाम को बेटा मान लो एप्लीकेशन डालेंगे 9 बजे, फिर बोलेंगे 15 को फोन ही नहीं आया सर. अरे सबको आजादी मनानी है ना बेटा, फिर तुम यार सही में ना. चलो दोस्तों आ जाइए, मैं फटाफट अब आपको रिवाइज करवाता हूँ. सर देखिए सेक्शन नंबर 5 कल हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को लेके, बहुत ही प्यारा मतलब मजाक एकदम जहरीला सेक्शन था बेटा ये. ये सेक्शन ने क्या कहा, ये सेक्शन ने कहा कि मैं बताऊंगा इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, है ना. समझना बात को, क्या कहा मैंने बताइए जल्दी से, मैं बताऊंगा इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, ऐसा AOA ने कहा मुझे. ओके सर, सर ये है ना बेसिकली बताता है कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मेंबर्स और कंपनी और मेंबर्स के बीच में अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके बारे में भी ये बताता है. सर ये जो आर्टिकल्स होता है ना ये स्टेट करता है कि आर्टिकल्स के अंदर हम वो बातें डालेंगे बेटा जो रेगुलेशंस
के अंदर बोली है, क्या बोली है बोलो, जो रेगुलेशंस के अंदर बोली है या जो रूल 11 के अंदर दे के रखी है ना, उसके बारे में सर यहाँ पे ये बातचीत करता है। ओके सर, सर इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन होता है, क्या होता है बोलो जल्दी से, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन होता है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मतलब क्या है बेटा, एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन है चीजें जो ऑलरेडी है उसको ज्यादा डिफिकल्ट बनाना बेटा। क्या कहा मैंने, ऑलरेडी जो चीजें देके रखी है लॉ के अंदर उससे ज्यादा डिफिकल्ट उसको करना, उसे एंट्रेंचमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है सभी लोग बोलो बेटा, एंट्रेंचमेंट उसे कहा जाता है। सर एंट्रेंचमेंट की अगर मैं बात करूं, एक मिनट बोले पंखा बना, ये जो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या कहता है सर, चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट बनाना, चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को बना देना। सर देखो अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दे के रखा है तो उसको अल्टर करना है, अगर जो एओए में बात दी गई है और उसको अगर मुझे अल्टर करना है तो मेरे को एसआर को पास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो, मेरे को एसआर को पास करना पड़ता है। लेकिन अब मैं चीजों को एसआर से भी ज्यादा डिफिकल्ट बना रहा हूं बनाना, मतलब मैं ये कह रहा हूं जहां पे 75% लोगों का अप्रूवल लगता है बदलने के लिए, उसको 90% कर दूंगा, उसको 80% कर दूंगा, उसको बेटा समझना बात को, उसको और क्या कर दूंगा, उसको कोई और कर दूंगा, मतलब मैं 75% से तो पक्का ऊपर लेके जाने वाला हूं। ठीक है, ओके सर। अब ये बताइए सर किस तरीके से आप इंक्लूड करते हो एंट्रेंचमेंट को। ठीक है ना, एंट्रेंचमेंट का सबसे पहला अगर मैं बात करूं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के समय आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को डाल दो, या आप एओए के अंदर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस भी कर सकते हो अगर आपकी कंपनी बन चुकी है तो सर अगर कंपनी बन चुकी है और आप प्राइवेट कंपनी में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को डालना चाहते हो तो 100% यूनानिमस रिजोल्यूशन से आप उसको बदल सकते हो। ठीक है, लेकिन सर अगर किसी पब्लिक कंपनी के एओए में आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को आप डालना चाहते हो जो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है, तो उस केस में आपको एसआर करना पड़ेगा। एसआर का मतलब होता है मेंबर्स में 75% लोगों का अप्रूवल मुझे लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बोलो, मेंबर्स में 75% लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा। श्याम प्रजापत कह रहा है कि एसआर का मतलब क्या है, एसआर का मतलब ऐसा ही बेटा, एक दो शब्द है बेटा, एक एस और एक आर, बाकी और कुछ नहीं श्याम जी, है ना, एकदम बढ़िया। चलो सर आओ अब ध्यान दो, अब बात करूंगा मैं नोटिस टू आरओसी। अब सर अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो चेंजेस के अंदर तो आपको बताना पड़ेगा ना बेटा, बोलो ना, चेंजेस तो बताना पड़ेगा ना। तो बोला गया इनकॉर्पोरेट करते वक्त है ना सर, स्पाइसी प्लस फीस स्पाइसी प्लस आते हो तो क्या लेके आओगे, चकली चूड़ा लेके आना, मतलब की फीस ले। लेकिन आरओसी बोलेंगे चकली चूड़ा नहीं चाहिए, मेरे को फीस चाहिए। क्या चाहिए बोलो जल्दी से, मेरे को फीस चाहिए करके। ठीक है, ओके सर, मुझे एक बात बताइए सर, चेंज हुआ है तो वहां से 30 डेज के अंदर आपको एमजीटी 14 देना पड़ेगा अलोंग विद द फीस। मतलब एक बात ध्यान रखना, ये कब के बारे में बात कर रहा है सर, ये आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर चेंज हुआ है ना उसके बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा हूं मैं बोलो सर, ये आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जो चेंज हुआ है ना, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ओके। फिर देखो क्या, अब मैं बात करूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को लेके। सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अर्थ क्या होता है, इनका कहना है कि जो एमओए है ना, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्या है बोलो जल्दी से, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम अज्यूम करेंगे कि उनको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है, यानी कि हम लोग आउटसाइडर्स को लायबल ठहराएंगे। क्या करेंगे बोलो, हम आउटसाइडर्स को लायबल ठहराएंगे। ठीक है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन होता है बेटा, ये जो अपन ने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसका एक्सेप्शन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है सर, अगर समझ ये बात को सर, अगर सीधी सी बात है घर के अंदर क्या चल रहा है बेटा, इसके बारे में बाहर वालों को कैसे बताऊंगा, यानी कि आउटसाइडर अज्यूम करेगा कि घर के अंदर जितने भी अफेयर्स है सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर, किसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, जब आपको पता था कि घर के अंदर गड़बड़ है फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आउटसाइडर तुम जिम्मेवार, सर आप नेग्लिजेंट रह गए, आप डॉली चाय वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनी को सेल परचेस करने के लिए उसके एसेट को बर्गर खाएंगा, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा आपके साथ ये नेग्लिजेंस हुआ बेटा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड होता है, क्या होता है बोलो सर, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड होता है, फॉर्ज्ड का मतलब क्या है बताओ जल्दी से,
फॉर्जरी का सिंपल सा अर्थ यह है बेटा, फॉर्जरी का मतलब है कि डॉक्यूमेंट को चुराया या डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन को आपने क्या किया, गलत तरीके से आपने फॉर्जरी मार के साइन किया, नकली साइन मारा तो डॉक्यूमेंट इनवैलिड होता है। इसके अलावा क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी या प्री कंडीशंस अगर आपने फुलफिल नहीं किए, यानी कि अगर वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस वगैरह हो गया ना, तो ऐसे केस के अंदर आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी मानी जाती है। सर किसी भी इनसाइडर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, क्या काम मैंने बोलो, किसी भी इनसाइडर की कोई लायबिलिटी नहीं होती, ऐसा इसका अर्थ होता है। समझे क्या? सारे लोग जल्दी से बताओ ना बेटा, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? इजी पीजी सभी लोग बोलेंगे हां सर एकदम इजी पीजी, बोलते नहीं आप लोग, हां सर एकदम इजी पीजी, ठीक है, चोरी किया रे टनन टनन, ठीक है। हां बेटा लाइव लेक्चर आगे पीछे नहीं होऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, आपने एग्जैक्ट 11:30 बजे जुड़ जाना है क्लास में। जो बच्चे पहले से मेरे साथ पढ़ते हैं वो जानते हो कि हम लोग टाइम के बड़े पक्के हैं बेटा, अगर हम 11:30 बोले तो 11:30 बजे क्लास चालू होती है हमारी, या अगर टाइम में कोई भी चेंज रहा तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा अपने ग्रुप में। अपन ने टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बना के रखा है कि कभी मैं लेट होते रहा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर आप लेट जुड़ रहे तो आप बीच में से जुड़ेंगे, आप पीछे का वीडियो नहीं देख पाएंगे। अब क्यों सर ऐसा किया? क्योंकि क्या होता है, बच्चा बीच में से जुड़ता है, पुराना डाउट वो आगे के लेक्चर में कमेंट करता है, भाई साहब हम आगे मूव ऑन कर चुके हैं, पर अगर आपको वो एक्स टॉपिक पे रहना तो हम क्या करें, है ना? तो इसलिए आना है तो एकदम समय पे आ जाना, क्योंकि समय ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऐसा नहीं कि आपको बताया नहीं है करके, है ना? तो उससे थोड़ा सा रेगुलरिटी और एकदम अच्छा मेंटेन रहता है क्लास में, प्रॉपर सब कुछ चलते रहता है। तो प्लीज बीच से मत जुड़िएगा, मेरा ऐसा कहना है, फिर वो डिस्टर्ब होता है क्लास में, आपको भी नहीं समझेगा और डिस्टर्ब भी अलग होगा वो क्लास में, है ना? तो फिर एक काम करना, उस दिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख लेने का, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, है ना? चलिए सर आ जाओ। सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिला, क्या बात कर रहे हो सग्रम साहब? बेटा हर यूट्यूब कमेंट, जितना भी लेक्चर होता है हमारा यूट्यूब पे, अभी जो हमारे 9 लेक्चर्स हुए, सारे 9 लेक्चर्स के कमेंट में जाके चेक करो, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको नोट्स का लिंक मिलेगा, है ना? समझिए, आप जाके चेक तो करो एक बार, हो ही नहीं सकता ऐसा कि टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला है करके। सारे बच्चों को मैंने शेयर किया, लगे तो कल मैं QR कोड भी शेयर कर दूंगा, ताकि जो बच्चों को फिर भी नहीं मिला होगा कहीं पे तो उनको भी मिल जाएगा फिर, ठीक है? कल लेकिन QR कोड बना के लाऊंगा, अभी लेकिन अपन आज का टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ोगे मैं बेटा जी, बोलो सारे लोग एकदम बढ़िया बढ़िया कंफर्टेबल, बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना, है ना? यस सर। चलो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्लीज फोकस करना आज के एकदम बढ़िया से, एकदम मजेदार तरीके से आज अपन चालू करने जा रहे हैं हमारा नया कंसेप्ट, और वो नए कंसेप्ट का नाम क्या है? अल्टरेशन ऑफ MOA। देखो आपने अभी तक जो चैप्टर 2 पढ़ा था ना, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है बेटा? अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? इसमें से बहुत सारे MCQ पूछने के चांसेस होते हैं, इसमें से अलग अलग छोटे मोटे क्वेश्चंस भी बना बना के आपको दे सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर तरीके, काफी बड़ा फैला हुआ टॉपिक है। तो आज अपन इसको अच्छा खासा समेटने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आज का क्लास मेरा थोड़ा सा छोटा हो, 1.5 घंटे का ही मेरा आज का क्लास हो, ड्यू टू सम रीजंस, कोई मेहमान विजिट करने आ रहे इसलिए, है ना? लेकिन लेकिन अब सवाल ये बनता है सर, अब आज का 1 घंटा ही क्लास है तो 1 घंटा का क्या करोगे? तो मैं कल लूंगा 1 घंटा बेटा, है ना? ये मत सोचना कि मैं आपको बख्श रहा हूं करके, बिल्कुल भी, है ना? अब आप भूल जाओ, 3:30 मैंने खूब कुटाई कराने वाला हूं मैं आपकी, है ना? तो बट ठीक है, तो इसलिए जो हमारा जो भी लॉस होगा वो कल 1.5 घंटे की क्लास में कल शेड्यूल कर दूंगा, 12 बजे के आसपास की, 12 से 1 वगैरह ऐसा कोई 1.5 घंटा ले लूंगा मैं, है ना? चलिए सर, किसी भी प्रकार से नहीं नहीं देखो, अगर अमर ने सोचा है ना बेटा अभी अपने को कि अपने एक टाइम सेटल्ड होता है कि सर ये 10 तारीख, मैंने जैसे आपसे कहा कि 10 तारीख से अगर बैच चालू हुई है 6-7 तारीख से, तो 10 नवंबर तक खत्म होना चाहिए। अब वो 10 नवंबर की बैच अगर मैं 5 को भी फिनिश करूंगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो 10 की बैच अगर 15 तक चले गई ना, तो आपको दिक्कत होंगी, क्योंकि ग्रुप 2 की क्लासेस समय पे चालू हो जाएंगी। अब समझ रहे बात को? तो ऐसे केस में अपने को विदिन ड्यूरेशन रहकर करना है, उसमें कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं फास्ट कर दिया कंटेंट खत्म करने के लिए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, टेस्ट भी विद टेस्ट होना चाहिए। अगर हम समय समय पर खुद को टेस्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर मतलब क्या रहेगा? इतना पढ़ रहे तो समझ में भी तो आना चाहिए ना कि अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे करके, है ना? तो इसलिए आप ध्यान रखना कि कभी भी बोलूं तो उसको हमेशा पॉजिटिव ले लेना। अगर मैं एफर्ट्स दे रहा हूं तो आपको भी एफर्ट्स देना है। देखो मैं आपको बताऊं क्या, आपके सक्सेस में मेरा केवल 20-30% रोल रहेगा, 70% रोल आप ही का रहने वाला है। आप कितना घर पे शिद्दत से पढ़ते हो, आप कितने अच्छे तरीके से रिवाइज करते हो, आप कितने अच्छे नोट्स
बनाते हो, आप कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करते हो। मैं आपको केवल डायरेक्शन दे सकता हूं। अब देखो, मैं अगर 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं बेटा, तो पूरे 1000 बच्चे पास होते क्या? नहीं होते। तो जब मैं, आप सोच, जब फेल लेने का क्रेडिट नहीं है तो पास लेने का भी क्रेडिट नहीं है। अगर कोई रैंक भी आ रहा है तो उसमें वो बच्चे की मेहनत है। जैसे इस बार मेरे से AR-40 आया था बेटा, ऑडिट वो मुझसे पढ़ के गया था। तो मैं अगर, तो इसमें मैंने कुछ किया क्या? नहीं, वो उसकी मेहनत है। मैंने तो बहुत सारों को पढ़ाया था, कुछ का क्लियर नहीं भी हुआ, कुछ क्लियर हुए, कुछ को रैंक भी आए, आप समझना। तो ये उसकी मेहनत है एक्स्ट्रा जो उसने किया है। मैंने पढ़ाया तो सबको यूनिफॉर्म ही है ना, आप समझ रहे हैं क्या बात को? तो यू हैव टू बी वेरी, मतलब थोड़ा सा आपको क्या करना है समझना बात को, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव रहना है आपको क्लास में। और दूसरा, आपको एकदम अच्छे से शिद्दत से पढ़ते हुए रहना है। आपको किसी समय ऐसा डाउन बॉन थोड़ा सा फील होगा, मैं कोशिश करूंगा संडे को क्लास ना भी लूं, पर एक आध बार लिया तो यार थोड़ा सा फिर एडजस्ट कर लेना है ना। चलिए बेटा जी, आ जाओ दोस्तों, शुरू करेंगे आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक, दैट इज अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है। देखो मित्रों, अगर देखिए, आप सारे लोग जानते हो कि सर हम लोग क्या करते हैं, जिस समय हम लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं ना, तो इनकॉर्पोरेट के समय, मतलब मैं इस बार के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब जिस समय मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा होता हूं, मैं MOA और AOA को किसको देता हूं बताइए जल्दी से। मैं MOA और AOA को मैं दे देता हूं, बताओ जल्दी से मैं किसको दे देता हूं। मैं MOA और AOA को ROC को जमा करवा देता हूं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम पास होता है, टाइम पास होता है मतलब टाइम जाता है, तो कंपनी को महसूस हो सकता है कि MOA के अंदर जो हमने कुछ बातें बोली थी ना, जैसे हमको नाम चेंज करना है, किसी को बहुत मस्ती है बड़ा नाम चेंज करने की, किसी को धंधा चेंज करने की मस्ती है, ऐसे अलग अलग प्रकार से मुझे क्या हो सकता है, मुझे MOA को, मतलब इसके अंदर जो बातें डाल के रखा हूं ना मैंने, इसके अंदर बातें चेंज करने की चुल हो सकती है। बराबर है क्या? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होता है ऐसा, है ना? यस। तो अब देखो क्या, अब जो ऑलरेडी आपने MOA और AOA को दे रखा है ROC को, क्या आपको लगता नहीं ये बात आपको अब ROC को बताना पड़ेगा कि हाँ हम MOA और AOA जो मैंने आपको पहले सबमिट किया था ना, वो पहले सबमिट वाले MOA AOA बदल चुके हैं, मैं आपको नया वाला MOA AOA भिजवाऊंगा, आप प्लीज अपडेट कर देना, ताकि कोई भी नया पर्सन आए तो उसको अपडेटेड MOA मिले। अब आप लॉजिकली सोचना थोड़ा सा, मैं जो आपसे पूछ रहा, लॉजिकली सोचना सर, MOA को एक तरफ आप बोलते थे कि ये कैसा डॉक्यूमेंट है, बोलो चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है करके। चार्टर्ड डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप ऐसा बोलते हो MOA को। एक तरफ आप ऐसा बोल रहे हो MOA को कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो सही मायने में बताइए आप, इसको अगर आपको बदलना है, इसको आपको चेंज करना है, तो आप परमिशन लोगे बेटा ओनर से? परमिशन लोगे किससे? ओनर से। ओनर से परमिशन लेने का मतलब क्या होता है? मेंबर्स से परमिशन लेना। कंपनी में मेंबर्स लोग ही ओनर रहते हैं। तो आप सोच के बताना मुझे, आप OR पास करोगे या आप SR पास करोगे? सोच के जरा बताना, इतने डॉक्यूमेंट को बदलने की बारी आ रही है, तो आप मेजॉरिटी से लोगे या उससे भी ज्यादा लोगों से अप्रूवल लेने का सोचोगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम तो SR पास करने का सोचेंगे, OR तो चुटुर-पुटुर होता है, OR चुटुर-पुटुर कामों के लिए होता है, हम तो सर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, MOA को बदल रहे हैं, यानी कि हम क्या पास करेंगे, हम SR पास करेंगे। क्या पास करेंगे बोलो? SR पास करेंगे। मतलब अच्छा, SR कहां पे पास किया जाता है? मीटिंग में पास किया जाता है, मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलेंगे, और क्योंकि इसमें चार बातों के अलावा कुछ दूसरी बातें हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? EGM बोला जाता है। बराबर है ना? ये आपको याद आ रहा है EGM? सर EGM में सिर्फ चार बातें होती है, कौन सी चार बातें हैं बोलो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बातें, डिविडेंड की बातें, ऑडिटर की बातें और डायरेक्टर की बातें, बस ये चार ही बातें होती है AGM के अंदर। इसको छोड़ के आप जितनी भी बकलोली करो, ये सबके सब क्या होता है? EGM की कैटेगरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बोलो जल्दी से? ये EGM की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, ओके सर। तो ये देखो, EGM में हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, कीजिए मीटिंग, है ना, मीटिंग कीजिए, और उसके बाद SR को पास करेंगे। क्या करेंगे बोलो? SR को पास करेंगे, वहां पे लोगों को बुला के। क्या आपको इतना
ध्यान है? सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आपको इतना ध्यान आ रहा है क्या? यस सर। तो देखो पहला पहला पॉइंट तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि अगर मुझे एमओए को अल्टर करना है, इनफैक्ट एमओए के मैं किसी भी बात को अगर अल्टर करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग बुला के एसआर को पास करना पड़ेगा। एकदम इजी है क्या पहला? बोलो जल्दी से, क्या पहला पॉइंट एकदम क्लियर? क्लियर हाँ सर। अब दूसरा देखो क्या सोचना, सर आप और मैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग कंपनी, ध्यान रखना अपन लोग कंपनी में डायरेक्टर्स है, कभी अपन मेंबर बनेंगे कभी अपन डायरेक्टर बनेंगे, आप ऐसा समझो अपनी कंपनी अपन सभी लोगों के मिलके, ठीक है? ओके सर। अब देखो क्या, अब सेकंड पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, जो मैं कह रहा हूं नेम चेंज के बारे में, किसके बारे में बोलो जल्दी से, नेम चेंज के बारे में। मैं नाम बदलना चाहता हूं कंपनी का, क्या करना चाहता हूं बोलो जल्दी से, मैं नाम बदलना चाहता हूं कंपनी का बेटा। अभी मेरे कंपनी का नाम अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड है, मैं अल्टीमेट सीए से कुछ और नाम रखना चाहता हूं, क्या रखना चाहता हूं बोलो जल्दी से, मैं कुछ और नाम रखना चाहता हूं अल्टीमेट सीए से, ठीक है ना? अब सीधी सी बात है, मेरा नाम कुछ और था मैं उसको कुछ और बदल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं सर, मेरा नाम कुछ और था मैं उसको बदल रहा हूं। अब लेकिन बदलने से पहले अपन ने देखा था क्या कि अपने को रन फॉर्म और स्पाइसी फॉर्म देख के अपने को पूछना पड़ेगा नाम अवेलेबल है क्या, याद है क्या? वो आरओसी बेटा 20 दिन के लिए और 60 दिन के लिए नाम को रिजर्व करके रखती है फिर, है ना? तो इसलिए बोला गया कि अगर आप नेम चेंज कर रहे हो ना तो आपने क्या करना चाहिए, आपने सीजी का अप्रूवल लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी के पास इतना समय है क्या बेटा, वो मेलोनी जी से बात करे कि आपके नाम को चेंज करे, सर मेलोनी जी से बात करे। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इन्होंने ये किसको दे के रखी है पावर, इन्होंने सीजी को ये पावर को, सीजी ने इस पावर को आरओसी को डेलीगेट करके रखी है, क्या करके रखी है बोलो, आरओसी को डेलीगेट ऑफ पावर का मतलब होता है अपनी पावर दूसरे को दे देना। तो इन्होंने इस बात को किसको दे के रखा है बोलो जल्दी से, सर आरओसी को ये पावर दे रखा है, यानी कि आरओसी से आप परमिशन लोगे उसके बाद ही आप नाम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप नाम को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, क्या आप इतना समझे? सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इतना बात को समझे क्या? हाँ सर एकदम परफेक्ट है, एकदम क्लियर क्लियर है, ठीक है आ जाओ सर। ओके अब देखो क्या, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे, मतलब अगर मैं वॉलंटरीली नाम को चेंज कर रहा हूं तो मुझे आरओसी के परमिशन लगेंगे। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, और एक कंसेप्ट कौन सा है सुनो, तीसरे नंबर का पॉइंट है ये, है ना? तीसरे नंबर का पॉइंट देखो क्या कह रहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी के बारे में, किसके बारे में बोलो, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? ओके सर, चलिए सर ध्यान दो यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, सुनो देखो मैंने क्या किया, मैं बताऊ आपको, सुन रहे क्या आप, सुन रहा है ना तू, देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज CA लिमिटेड, मैंने ऐसी कंपनी डाला, क्या नाम डाला मैंने बोलो, रिलायंस इंडस्ट्री CA लिमिटेड करके मैंने बेटा एक ऐसी कंपनी ओपन किया, क्या किया बोलो, कंपनी ओपन किया। मैंने आरओसी को भेजा था डॉक्यूमेंट्स, आरओसी को स्पाइसी फॉर्म भरा, उन्होंने अप्रूव कर दिया, सब कुछ एकदम बढ़िया, उनको ध्यान में ही नहीं आया, क्या ध्यान में नहीं आया बोलो जल्दी से, कि ये तो बड़ा ही आइडेंटिकल सा नेम है करके। अच्छा सर ये थोड़ा सा काल्पनिक हो गया एक्चुअली, है ना? तो ये थोड़ा सा ज्यादा काल्पनिक हो गया, बट ठीक है चलिए सर। अच्छा किसी लोगों ने अगर अर्ली बर्ड बैच किए होंगे मेरे साथ तो उन्होंने ये कंसेप्ट सुना होगा अभी, है ना? उनके लिए काफी रिलेटेबल कंसेप्ट होगा जब LLP का आइडेंटिकल नेम होता है किसी दूसरे कंपनी के साथ, तो ठीक है आ जाइए सर। तो देखो मेरा क्या कहना है, मैंने एक कंपनी खोला, या मैंने अपने कंपनी के नाम को बदला, सुनो एक तो कंपनी नहीं खोला यानी कि इनकॉर्पोरेट किया, या अपने नाम को चेंज किया, एग्जिस्टिंग नाम को बदला, एग्जिस्टिंग नाम को चेंज किया, समझ रहे आप बात को? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि कंपनी का नाम अगर आइडेंटिकल है या बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है, क्या करता है, बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से, क्या करता है, बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है, जैसे मेरे केस में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये जो नाम है ये सुना सुना लग रहा है, आप समझ रहे, आप बोलोगे अरे ये तो बहुत ही रिलेटेबल हो गया। तो मैं बताऊं आपको, तो ये मेरी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज CA लिमिटेड ना,
जिसको आरडी, आरडी मतलब कौन, बड़ी माँ बेटा, समझ रहे आप बात को, ये कौन है आरडी, बड़ी माँ है, और माँ कौन है आरओसी। तो आरडी क्या भेजेंगी, आरडी इसको डायरेक्शन देंगी, आरडी इसको डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है हुकुम करेंगी, क्या करेंगी हुकुम, टाइगर का हुकुम, है ना। अब देखो आगे वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं, ना 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 ना, बस वो लेकिन धुन बहुत अच्छी लगती है वो, ठीक है आइए, ऐसा होता है ना कोई कोई गाने में। चलिए देखो, तो यहाँ पे क्या आरडी उसको डायरेक्ट करेगा, रीजनल डायरेक्टर हुकुम देगा बेटा किसको, कंपनी को, कौन सी कंपनी को, जिसका नाम सेम सेम है, क्या है बोलो, सेम सेम है, डिफरेंट नहीं है ना, वो वाली कंपनी को हुकुम करेगा, क्या करेगा बोलो, वो वाले कंपनी को हुकुम करेगा, क्या हुकुम करेगा, उसको हुकुम करेगा कि तू क्या कर, अपने नाम को बदल, चेंज कर अपने नाम को, और वो भी कितने समय में, 3 महीने के अंदर चेंज कर, और कैसे चेंज कर, ओआर को पास करके, कैसे चेंज कर बोल, ओआर को पास करके, ये कुछ दिन पहले ही अपने कंसेप्ट नेम क्लॉज में पढ़ा हुआ है ये वाला, ठीक है ना। तो देखो क्या सर, आरडी डायरेक्ट करेंगी, हुकुम करेंगी कि नाम को चेंज करो 3 महीने के अंदर ओआर को पास करके, किसको करके बोलो, ओआर को पास करके। अब मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये जो रीजनल डायरेक्टर है ना, सुनो ना, ये जो रीजनल डायरेक्टर है बेटा, ये रीजनल डायरेक्टर है, ये कौन है रीजनल डायरेक्टर, इसके है ना कान भरे जाते हैं, क्या भरे जाते हैं बोलो जल्दी से, कान, कान के है ना, तो इसके कान भरे जाते हैं बेटा, किसके द्वारा कान बनेंगे बताऊं मैं आपको, एप्लीकेशन इसको दिया जाता है बाय रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, किसके द्वारा बोलो जल्दी से, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के द्वारा इसको एप्लीकेशन दिया जाता है। सर एक मिनट, ये जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने ट्रेडमार्क ले रखा है ना बेटा, वो क्या करेंगी, वो अर्जी लगाती है रीजनल डायरेक्टर के कान भरती है और उनसे कहती है कि देखो देखो क्या वो पेड़ है, नहीं देखो देखो क्या वो सेम कंपनी है, तो आप क्या करो उसके नाम को कैंसिल करो, उसके नाम को कैंसिल करो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज CA जब से बनी है ना, वहां से 3 साल के अंतर्गत ही, क्या कहा मैंने बोलो, वहां से 3 ईयर्स के अंतर्गत ही ये एप्लीकेशन कर सकती है। मतलब अगर मेरे रिलायंस इंडस्ट्री CA लिमिटेड को 3 साल से ज्यादा हो जाते तो ये एप्लीकेशन नहीं कर पाता, कौन, मुक्कू नहीं कर पाता ये एप्लीकेशन, इस बात का ध्यान रखना। मतलब सर जब से, सुनो आप बात को, जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज CA लिमिटेड बनी है ना, केवल तब से, जैसे 2000 कब बनी हमारी, 2023 में बनी, तो 2026 तक, अभी 26 अगस्त को एनिवर्सरी आ रहा है, 1 साल कंप्लीट हो रहा है बेटा हमारे इसका, विच यू हैप्पी बर्थडे अल्टीमेटली। अब देखो, अब 26 अगस्त 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई बेटा, क्या हमारी अल्टीमेटली है, तो 26 अगस्त 2026 तक ही एप्लीकेशन रिलायंस डाल सकता है कि देखो हमसे नाम इनका सेम हो रहा है करके, अगर इनको 3 साल में ध्यान नहीं है ना, भूल जाओ, अब नहीं करने दे रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है रीजनल डायरेक्टर को कान भरे गए करके, कभी कभार है ना इसको खुद से बहुत मस्ती होती है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इसको ओन, क्या कहा मैंने बोलो, ओन, खुद से, आप समझ रहे हैं क्या, जिसको CEO मोटो बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है बोलो, CEO मोटो जिसे कहा जाता है, तो खुद से भी बहुत मस्ती होती है बेटा इनको, कि बोले मैं ही सीधा डायरेक्शन, कोई पूछे ना पाछे, मैं सीधा डायरेक्ट कर दूंगा नाम को बदलने के लिए, क्या कर दूंगा बोलो, मैं सीधा डायरेक्ट कर दूंगा नाम को बदलने के लिए, ऐसा इसको खुद से मस्ती भी हो सकती है। तो ये दोनों केस के अंदर, पहला ये भी केस हो सकता है और दूसरा ये भी केस हो सकता है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। और इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें यहां पे आरडी के द्वारा डायरेक्शन दिया जा सकता है कंपनी को कि तुम नाम को बदलो और नाम को 3 महीने में बदलना ओआर को पास करके। समझ गए क्या सारे लोग, जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या जो मैंने कहा आपके साथ अभी तक, क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आई है ना। यस सर, कौन सी कंपनी के बारे में बात हो रही है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज CA लिमिटेड के बारे में, समझ रहे आप बात को, ओके सर। और ये कौन एप्लीकेशन दे रहा है सर,
आरडी दे रहा है। आरडी क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको दो लोगों ने बोला, एक तो खुद से उसने डिसाइड किया या उसको रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होल्डर ने यहाँ पे बोला। अच्छा, जब से डायरेक्शन दिया है वहां से 3 महीने के अंदर ओआर पास करके मुझे नाम को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? नाम को चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे क्या आप बात को? सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझे? क्या इतना एकदम क्लियर है आपका? ठीक है, चलिए सर थोड़ा सा मेरे साथ लिखेंगे बेटा आप सारे लोग। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं और मेरे साथ अब भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो, आरडी डायरेक्ट करेगा कंपनी को कब? जब कब करेगा बोलो? जब सर कंपनी बहुत ज्यादा आइडेंटिकल नेम के साथ है, या क्या हो सकता है बोलो, या दूसरा टू नियरली रिसेम्बल नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या करो, चेंज करो नेम को। क्या करो बोलो जल्दी से? चेंज करो नेम को। और जब भी डायरेक्शन दिया तो अपने को क्या करना पड़ेगा? विद इन कितने महीने में बोलो? 3 मंथ्स के अंदर ओआर को पास करके यहाँ पे क्या दिया जाएगा सर? ओआर को पास करके नाम को चेंज करना होगा। देखो सर, रीजनल डायरेक्टर दो लोगों की सुनता है, एक तो खुद की सुनेगा, ओन सीओ मोटो जिसको बोला जाता है, और दूसरा क्या? एप्लीकेशन। क्या बोलो जल्दी से? एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर, एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर के द्वारा एप्लीकेशन भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, ओके सर। अच्छा, ये एप्लीकेशन कौन देगा प्रोप्राइटर? कितने समय में? विद इन 3 इयर्स में। कितने में देता है बोलो जल्दी से? रिपीट करो मेरे साथ, विद इन 3 इयर्स में। 3 साल के अंदर एप्लीकेशन दिया जाएगा प्रोप्राइटर के द्वारा। एकदम इजी इजी, सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, एकदम इजी इजी बेटा, फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो मुझे। डन डना डन डन, यस सर। अब देखो क्या सर, अब देखो कंपनी यहाँ पे क्या करती है। अब कंपनी ने जब से यहाँ पे चेंज किया है, क्या कहा मैंने बोलो सर? कंपनी ने जब से चेंज किया है, फिर से बोलेंगे सारे लोग, सर कंपनी ने जब से क्या किया है बोलो? कंपनी ने जब से चेंज किया है सर, चेंज से 15 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर बोलो? 15 डेज के अंतर्गत। क्या बोलो सर? 15 डेज के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा? सीजी ऑर्डर के साथ न्यू नेम आपको देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा बताऊं मैं आपको? सर ये 15 दिन के अंदर आपको आरओसी को देना पड़ता है। किसे देना पड़ता है बोलो? आरओसी के पास आप फाइल करोगे कि देखो, जो सीजी का ऑर्डर का मतलब होता है कि आरडी से जो हमें ऑर्डर आया ना कि आप नाम को चेंज करना है, तो हमने उसका कंप्लायंस किया, नया नाम कर दिया, और आरओसी को तो बताना पड़ेगा ना बेटा, इनको तो बताना ही पड़ेगा, यही तो मेन है, सब करता धरता यही तो है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा सर? मुझे इनको इन्फॉर्म करना होगा। सारे लोग बोलो मुझे क्या करना होगा? इनको इन्फॉर्म करना होगा। बराबर है क्या? अब सर आप लॉजिकली सोच के बताओ, अगर मैंने आरओसी को कोई नई इंफॉर्मेशन दिया, जो इंफॉर्मेशन वो मुझे सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रोवाइड कराई है, तो वो मुझे क्या इशू करने वाले हैं बदले में? वो सर मुझे बदले में न्यू क्या देंगे बोलो? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू करेंगे। क्या करेंगे बोलो? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इश्यू करेंगे। समझे क्या आप बात को? सारे लोग फटाफट बताइए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? है ना, यस सर। सर
ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए सर, ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो ऑर्डर आया है ना, ये जो ऑर्डर आया है, ये जो आरडी ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर दिया है आरडी ने नाम को बदलने का, ये ऑर्डर को मैंने कंप्लाई नहीं किया, क्या नहीं किया बोलो जल्दी से, सर कंप्लाई नहीं किया, ऐसा हो सकता है ना, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं बताऊं वही सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको नया नाम दे देती है फिर, है ना, वो आगे आने वाला है बट सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको नया नाम दे देती है, ठीक है सर, ओके। अब सर मुझे एक बात बताओ, सर ये आप बोल रहे हो कि कंपनी ने इन्फॉर्म करना चाहिए किसको, आरओसी को, 15 दिन के अंतर्गत सीजी ऑर्डर और न्यू नेम के साथ, और ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, पर सर एक बार मुझे बता दीजिए, आप एक बात आप मुझे बताओ कि अगर कंपनी ने ये इन्फॉर्म नहीं किया, क्या कहा मैंने बोलो, कंपनी ने ये इन्फॉर्म नहीं किया तो ऐसे केस के अंदर मैं बताऊं आपको सर, यहां पे है ना फाइन लगती है, फाइन कितनी लगती है, 1000 रुपए प्रतिदिन की फाइन लगती है, प्लस जो ऑफिसर है, प्लस जो ऑफिसर है उनको 5000 से लेके 1 लाख तक की फाइन लगती है, क्या कहा मैंने बोलो सर, 5000 से लेके 1 लाख तक की फाइन उनको लगती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब सर आपका ये कहना है यहाँ पे कि सर आप बस इतना ही बोल रहे हो ना कि सर ये देखिए ऑर्डर पास हुआ, मैंने नाम चेंज किया, तो नाम चेंज करने के बाद आरओसी को मैं बता दूंगा कि ये, अब आरओसी को मैं 2 डॉक्यूमेंट्स दूंगा, पहला देखो आरडी ने जो मेरे को ऑर्डर दिया था ना, आरडी ने जो मुझे डायरेक्शन दिया था ना, ऑर्डर पास किया था ना वो, और दूसरा नया नाम, समझ रहे हैं आप बात को, दूसरा नया नाम, ये दोनों बताऊंगा, और बदले में आरओसी मुझे क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर ये कितने दिन में देना है, 15 दिन के अंदर अपने को देना है, कितने दिन में देना है बोलो, 15 दिन में अपने को देना है यहाँ पे, ठीक है सर, ओके। और सर ये बात को क्या बोला गया यहाँ पे, अगर मैंने इसको इन्फॉर्म नहीं किया तो ये फाइन वाइन बैठने वाली है मुझे, क्या बैठने वाली है बोलो सर, ये फाइन वाइन यहाँ पे बैठने वाली है, समझे क्या आप बात को, सारे लोग फटाफट जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना, यस सर। सर नेम क्लॉज में तो आरओसी ऑर्डर देता है, हाँ आरओसी देता हो बेटा, आपको क्या लगता है आरओसी आरओडी के अलग अलग पोर्टल होंगे क्या, नहीं, आरओसी आरओडी के, इसलिए तो आरओसी ने कोई एप्लीकेशन दिया है तो आरओसी उसको रिजेक्ट नहीं करता, कोई ऊपर वाली अथॉरिटी नीचे वाले ऑर्डर को खारिज कर सकती है, आपने कभी ऐसा सुना है क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान्य नहीं है करके, ऐसा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जरूर बोल सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर मान्य नहीं है, तो अगर आरओसी ने कोई अप्रूवल दिया है तो उसको मना करने की पावर उसके ऊपर वाले अथॉरिटी की होंगी, यानी कि किसकी होंगी, आरडी की पावर होंगी, किसकी होंगी बोलो जल्दी से, आरडी की पावर होंगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, देखो सर मैंने ये कहा कि यहां पे आपको, रुके मैं एक मिनट, मैं पूरा, मेरे को पूरा सम अप करने दो पहले, प्लीज मेरे को सम अप करने दो बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे, सुनिए, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर आरडी जो होता है ना, ये ओन एप्लीकेशन, आरडी खुद से, या अगर उसको कोई एप्लीकेशन दे 3 साल के अंतर्गत जब से नई कंपनी बनी है, वो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है कंपनी को जिसका नाम सेम है या बहुत ज्यादा सिमिलर एग्जिस्टिंग कंपनी से, कि नाम को बदलो, और कंपनी को 3 महीने के अंदर बेटा यहाँ पे बदलना पड़ेगा। सर कंपनी चेंज करती है जिस दिन नाम, वहां से 15, जिस दिन मैंने नाम को चेंज किया, देखो मेरे पास 3 महीने का पीरियड है, पर 3 महीने में मैंने यहां पे नाम को चेंज कर दिया, तो यहां से 15 दिन के अंतर्गत मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को, किसको बोलो जल्दी से, आरओसी को बताना पड़ेगा कि देखो देखो आरडी से अप्रूवल आ चुका है, किससे, सॉरी आरडी से ऑर्डर आ चुका है, मैंने नया नाम ये रख लिया, मैं इन दोनों बातों को किसको बोलूंगा, आरओसी को बता दूंगा, और आरओसी को जमा तो वो मुझे क्या दे देंगे, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं आपके साथ कि सर अगर कंपनी ये चीजें नहीं करती है, मतलब कि इन्फॉर्म वगैरह नहीं करती है, तो फाइन कितना लगेगा बताइए सर, कंपनी के ऊपर यहाँ पे, मतलब सीधी सी बात है, जो फाइन है डिफॉल्ट लगने वाला है यहाँ पे कितना, सर डिफॉल्ट लगने वाला है 1000 रुपए प्रतिदिन का कंपनी के ऊपर फाइन है, इसके साथ साथ ऑफिसर को 5000 से 1 लाख तक का फाइन लगेगा, ये फिक्स फाइन है, और कंपनी के ऊपर पर डे की फाइन है, क्या कहा मैंने बोलो, कंपनी के ऊपर पर डे की फाइन यहाँ पे लगाई गई है, समझे क्या, सारे लोग फटाफट बताइए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या, सर कंपनी के ऊपर फाइन लगाई मतलब कंपनी के पीएनएल में डेबिट पड़ेगा, सर ऑफिसर के ऊपर फाइन लगाई मतलब ऑफिसर को जो सैलरी मिलती है उसको अपने घर खर्ची में से वो पैसा अलग से देना पड़ेगा, दोनों के डिफरेंस को समझ रहे हो आप,
सारे लोग दोनों के डिफरेंस को समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं आपके साथ? सर देखो, ये ₹1,000 प्रतिदिन है ना, ये कंपनी के पीएनएल में डेबिट है। ये जो पैसा है ये ऑफिसर का जो घर खर्ची का पैसा है उसमें डेबिट है। दोनों का अंतर समझना, ठीक है ना? यस सर। चलिए, क्या आप इसको समझे क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे लोग समझ गए क्या? एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से, एकदम जोरदार तरीके से। डन है, परफेक्ट है? यस सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, चलो चलो। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, आज का क्लास है ना, मेरे को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। मैंने सोचा था 12:30 तक, बट मुझे ना कॉल आ गया और बुलाने भी आ गए, तो आज का क्लास मेरे को थोड़ा सा यही स्टॉप करना पड़ेगा, बट इसको मैं कंटिन्यू करूंगा कल के क्लास में। कल हमारा कितना बजे क्लास होने वाला है? 12 का क्लास होने वाला है कल संडे, मैं जानता हूँ 18 को, लेकिन अपना 12 का क्लास होगा। आप प्लीज इसको कंप्लीट कर लेना लेकिन, और इस प्रोविजन को आप कुछ मत करो, आज कुछ भी मत करो, आप ऐसा समझो आज आपका ऑफ जैसा ही है करके, है ना? बस लेकिन जितना उतना रिवाइज कर लो। एक काम करो, आज को अभी आपका टाइम बचा हुआ है, तो आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया, अभी आज 10वां दिन है अपना, आज 10 दिन में अपन ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े ना, एक बार उसको अगले 1.5 घंटे में रिवाइज कर लो, आपका जो नेक्स्ट कौन सा क्लास है आपका, टैक्स का क्लास चालू होने तक, ठीक है ना? यस, तो आप इतना रिवाइज कर लो आज। आज आपको होमवर्क भी नहीं देता हूं मैं, और आज कुछ भी नहीं कराता हूं मैं, इसको कल कंटिन्यू करूंगा कल के क्लास में, ठीक है? आज का ये जो लेक्चर है इसके ऊपर अवेलेबल है, बाकी मैं सोच रहा हूं कल का जब लेक्चर लूंगा तो एक ही के साथ क्लब करके उसको रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा अपने ऐप के ऊपर, क्योंकि इतना छोटा सा लेक्चर ऐप के ऊपर डालने नहीं पुराएगा, तो उससे बेटर कि जो YouTube के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 10th नंबर का जो सेशन है ना उसको मैं कल के इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अटैच करके। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, मिलूंगा कल आपके साथ 12 शार्प हमारे अल्टीमेट सीए के ऐप के ऊपर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।